नवंबर 8 नवंबर 2016 को जो नोटबंदी हुई थी उसकी सफलता के बारे में कई दावे किए जा रहे हैं, लेकिन क्या ये नोटबंदी संवैधानिक दृष्टि से उचित थी, न्यायोचित थी? ये जो नोटबंदी हुई थी इसके लिए एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था, ये नोटिफिकेशन है भारत सरकार का। इस नोटिफिकेशन में यह कहा गया है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का बोर्ड है उसने ये नोटबंदी के लिए अनुशंसा प्रेषित की। यहाँ पर सेंट्रल बोर्ड ऑफ जो रिजर्व बैंक का जो सेंट्रल बोर्ड है वो सिर्फ अनुशंसा दे सकता है नोट बदलने की, नोट बदलने की अनुशंसा दे सकता है, ना कि नोटों को रद्द करने की अनुशंसा। और जब नोटों को बदलने की अनुशंसा नहीं की गई और नोटों को रद्द करने की असंवैधानिक अनुशंसा की गई तो स्वाभाविक है कि केंद्र सरकार ने उस असंवैधानिक अवैध नोटिफिकेशन को मूर्त रूप देना। आज भारत की 130 करोड़ की जनसंख्या है वो इस बात संशय में है कि ये नोटबंदी किसने की, क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने की या फिर भारत के केंद्रीय मंत्रालय की अनुशंसा से हुई। यहाँ पर दावा ठोका जा रहा है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा कि नोटबंदी उनके माध्यम से की गई, जबकि ये अवैध असंवैधानिक और छल कपट कूट रचित राजपत्र के द्वारा प्रमाणित करता है कि ये नोटबंदी अवैध असंवैधानिक है और साथ ही साथ देश को गुमराह किया गया। यहाँ पर जो कारण बनाए गए थे नोटबंदी के वो टोटली ही हास्यास्पद है, शर्मसार करते हुए बताया गया है। यहाँ पर उन्होंने कहा कि जाली मुद्रा है, यहाँ पे उन्होंने कहा कि ये मुद्रा आतंकवाद के लिए जा रही है, यहाँ पर कहा गया कि ये वसूली नहीं हो पा रही क्योंकि बड़े नोट हैं, लोग बड़े नोटों से जमा कर रहे हैं और वसूली नहीं हो रही है। तो स्वाभाविक है यहाँ पे वसूली नहीं हो पा रही थी, तो वसूली न होने का कारण ही एकमात्र ये है कि नॉन परफॉर्मिंग असेट्स बहुत ज्यादा हो गई थी। रिजर्व बैंक ने सब देश की जनता के सामने झूठ बोला कि जितने भी उद्योगपति हैं या जितने भी लोन थे उसमें नॉन परफॉर्मिंग असेट्स की वसूली नहीं हो पा रही थी, और नॉन परफॉर्मिंग असेट्स वसूल नहीं हो पा रहा था इसलिए उन्होंने नोटबंदी की। क्या ये जायज है? नहीं। यहां पर छुपाया गया एक तथ्यात्मक और प्रमाणित करता हुआ पहलू, जितने भी बैंकें हैं भारत रिजर्व बैंक के अधीन उनको ये कहा गया था कि नंबर एक की जो करेंसी है उसको नंबर दो में बदल दिया जाए। भारत के अंदर जब ये वसूली नहीं हो पा रही थी तो उसका उन्होंने हल ढूंढा, उन्होंने ये हल ढूंढा कि जितने भी नंबर एक के राशि बैंक खातों में जमा थी करंट अकाउंट में या सेविंग अकाउंट में, तो जितने भी व्यापारी वर्ग था उन्होंने क्या किया, करंट अकाउंट के माध्यम से फर्जी फर्में खोली। फर्जी फर्में खोलने के बाद उसका जो पैसा आता था उसको नंबर दो में कन्वर्ट कर दिया और बैंकों में नकदी की समस्या खड़ी हो गई। बैंकों में नकदी की समस्या इसीलिए खड़ी हुई कि नॉन परफॉर्मिंग असेट्स बढ़ गई थी। नॉन परफॉर्मिंग असेट्स क्यों बढ़ी? क्योंकि नंबर एक का पैसा नंबर दो में कन्वर्ट हो गया था। आज देश की सुप्रीम कोर्ट, देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री क्यों देश की 130 करोड़ जनसंख्या को गुमराह कर रहे हैं? क्या देश की सुप्रीम कोर्ट जो पिछली 18 पिटीशनें स्वीकार कर चुकी थी उस पर कलंकित करती जो कार्रवाई की गई उस पर देश के सामने उसको रखेगी कि क्यों वो ये नोटबंदी की कार्रवाई संचालित करने वालों को बचा रही है? सब दोषी हैं। यहाँ पर रिजर्व बैंक के सेंट्रल बोर्ड ऑफ गवर्नर्स भी दोषी हैं, फाइनेंस मिनिस्टर भी दोषी हैं, और उसका परिणाम है कि जो तत्कालीन फाइनेंस मिनिस्टर थे अरुण जेटली उनको बीमारी की आड़ में स्लो पॉइजन देकर ऐसी आशंका है कि सरकार ने मार भी दिया क्योंकि रहस्य खुल के सामने नहीं आए। देखिए जैसे राफेल में, राफेल के अंदर भी जो संबंधित रक्षा मंत्री था गोवा का मुख्यमंत्री वो भी स्लो पॉइजन से मारा गया, और यहाँ पर एक के बाद एक देश के अंदर जितने भी घपले हो रहे हैं उसके जिम्मेदार मंत्री मारे जा रहे हैं, ऐसा प्रमाणित होता है, पुष्टि होती है। क्या देश की सुप्रीम कोर्ट ये 19वीं पिटीशन पर कोई देश की राष्ट्रहित में कोई कार्रवाई करेगी या फिर 18 पूर्व की 18 पिटीशन की तरह ही इसको भी लिपापोती के दायरे में रखकर भारत सरकार के दोषियों को बचाएगी?
आज नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट ने एक भी जनहित याचिका स्वीकार नहीं की, ऐसा क्यों? क्या बचाव की मुद्रा में तो नहीं है सुप्रीम कोर्ट?